विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेला के दौरान इस बार पंजाब के समाज सेवी संस्थाओं द्वारा 85 लंगर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु लगाए जाएंगे, जिसमें मेले के दौरान श्रद्धालुओं को स्वादिष्ट भोजन और व्यंजन परोसे जाएंगे। आनंदपुर साहिब कोलावाला टोवर जहां से यात्रा शुरू होती है, वहां से लेकर श्री नैना देवी मंदिर तक ये लंगर लगेंगे। पंजाब की इन समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा कुछ मांगे लंगरों संचालन लेकर जिलाधीश राजेश्वर गोयल के समक्ष उठाई गई, जिन्हें जिलाधीश ने उनकी मांगों को पूरा किया। लंगर कमेटी के प्रधान डॉक्टर सतपाल अग्रवाल ने पत्रकारों को बताया कि श्री नैना देवी में श्रवण अष्टमी मेले के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उन श्रद्धालुओं की सुख सुविधा हेतु पंजाब के समाज सेवी संस्थाएं यहां पर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु जहां पर लंगर की व्यवस्था करती हैं, वहीं पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु उनके वॉलंटियर यहाँ पर ड्यूटी भी देते हैं और ये ड्यूटी पुलिस के निर्देशों के अनुसार लगाई जाती है। डॉक्टर सतपाल का कहना है कि पूर्व विधायक और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने भी वे अपनी मांगों को लेकर के मिले थे और रणधीर शर्मा ने उनकी मांगों को पूरी विनम्रता से सुना और सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन उन्होंने दिया था, जिसे जिलाधीश बिलासपुर ने पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि समाज सेवी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को मेले के दौरान स्वच्छ एवं स्वादिष्ट भोजन परोसना है, ताकि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सुगमता से जगह जगह भोजन प्राप्त हो सके। श्रद्धालुओं का जहां पर सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि भोजन परोसा जाएगा, वहीं पर सुबह शाम चाय पान की व्यवस्था भी रहेगी। उन्होंने कहा कि ये सभी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े लोग 8 दिन तक माता के दरबार में अपनी सेवाएं देते हैं और अपना पूरा काम काज छोड़कर यहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्राचीन काल से ही परंपरा चली आ रही है, जिसका निर्वाह वे किसी भी सूरत में करते हैं और आने वाले समय में भी ये समाज सेवी संस्थाएं चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हो, समाज सेवा जारी रखेंगे। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मंदिर न्यासी आशुतोष शर्मा और रक्षपाल महासचिव मुरारी लाल, मित्तल प्रधान दुर्गा सेवा दल रमेश सिंगला, सचिव प्रगट सिंह, के कौशल महासचिव सेवा समिति शिव कुमार, कुलदीप वर्मा भी मौजूद रहे। नगर निगम धर्मशाला के प्लास्टिक कचरे से अब फ्यूल तैयार किया जाएगा। 5 टन प्लास्टिक कचरे से 2 टन फ्यूल तैयार किया जा सकता है। ये सुझाव धर्मशाला नगर निगम की डंपिंग साइट में सुगलती आग की समस्या के निरीक्षण करने आए दिल्ली की वेस्ट मैनेजमेंट सलाहकार सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर श्यामला के मणि ने नगर निगम अधिकारियों को दिए। यदि नगर निगम डॉक्टर श्यामला के सुझाव पर अमल करते हैं और इसे अपनाते हैं तो भविष्य में नगर निगम धर्मशाला के प्लास्टिक कचरे से फ्यूल तैयार किया जा सकता है। पांच टन प्लास्टिक कचरे से 2 टन फ्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें 8% पेट्रोल होगा, बाकी सभी डीजल होगा। प्लास्टिक से फ्यूल बनाने में ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है, 300 से 400 डिग्री सेल्सियस पर यह काम किया जा सकता है। प्लास्टिक से फ्यूल बनाने की यूनिट स्थापना में प्रारंभिक चरण में डीजल की जरूरत पड़ेगी, जबकि बाद में ऐसे यूनिट गैस से भी शुरू किया जा सकता है। प्रथम चरण में जरूरी नहीं है कि बड़े स्तर पर इसकी शुरुआत की जाए, बल्कि 1 टन के यूनिट से भी इसकी शुरुआत की जा सकती है।
नगर निगम धर्मशाला के एक्सिन संजीव सैनी ने बताया कि कंसल्टेंट को जो भी डाटा चाहिए होगा उसे उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर के कचरे सहित अन्य जानकारियां संबंधित डाटा एक दो दिन में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान के सपने को धरातल पर साकार करने की दृष्टि से केंद्रीय सूचना केंद्र के तत्वावधान से बिलासपुर में स्थित प्रदेश सरकार के खेल छात्रावास में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोबाइल ऐप के माध्यम से सुलभता से बिना किसी परेशानी से विभिन्न प्रकार के सुविधाएं प्राप्त करने की जानकारी दी।